कई लोग बालों के झड़ने की समस्या से परेशान रहते हैं। कुछ घरेलू उपाय बालों को झड़ने से रोककर उन्हें लंबे, काले और स्वस्थ बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं घरेलू उपचार द्वारा किस तरह से बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सकता है। प्याज का रस बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अपने सिर पर लहसुन, प्याज या अदरक का रस लगाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इनको आपस में ना मिलाएं, बल्कि एक ही का प्रयोग करें। रात भर रस को सिर पर लगा रहने दें और सुबह ठंडे पानी से धो लें। एलोवेरा बालों और त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। एलोवेरा के ताज़ा पल्प में एक एंजाइम होता है, जिसे सिर की त्वचा पर लगाने से मृत कोशिकाएं समाप्त होकर नई कोशिकाएं विकसित होती है। एलोवेरा को जूस के रूप में लेने से भी रूसी की समस्या खत्म होती है, बालों का झड़ना रुक जाता है और नए बाल आने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों का झड़ना रोकते हैं और उनके बढ़ने में भी सहायक होते हैं। एक कप पानी में 2 ग्रीन टी बैग मिलाकर चाय तैयार करें। चाय को थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद उसे बालों में लगाएं। 1 घंटे लगा रहने दें। इसके बाद बालों को अच्छे से धो लें। यह बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप ब्राह्मी से भी बालों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मी बालों की जड़ों को पोषण प्रदान कर उन्हें मजबूत बनाती है। ब्राह्मी की पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाएं। इसे गर्म पानी में मिलाकर पिए। ब्राह्मी का तेल भी बालों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के बीज को पर्याप्त मात्रा में पानी में भिगोएं और फिर पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इसे सिर पर लगाकर हल्के से मसाज करें। 1/2 घंटे बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।